कि मेरे माता पिता तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी भी मेरे लिए प्राण बिछाती है। संत कहने लगे कि यदि ऐसी ही बात है तो तेरे माता पिता और तेरी पत्नी के प्रेम की परीक्षा कर लेते हैं। संत ने कहा कि बेटा मेरे पास एक जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा, फिर मैं तेरा इलाज करने के लिए तेरे घर पर आऊंगा, बाद में वहां जो भी कुछ होता रहे तो चुपचाप से सोए सोए देखते रहना, बोलना मत। वह लड़का तैयार हो गया। जब उसने वह दवाई जड़ी बूटी खाई, उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता घबरा गए, घबरा करके डॉक्टरों को बुलवाया, वैद्यों को बुलवाया, लेकिन किसी का भी उपाय सफल नहीं हुआ। उस लड़के का शरीर गर्म होता ही जा रहा था। अब तो माता पिता और भी ज्यादा घबरा गए। उसी समय महात्मा जी वहां आ गए। महात्मा जी को देख करके लड़के के माता पिता हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज आप हमारे लड़के का इलाज कीजिए, कृपा करके हमारे पुत्र को आप बचा लीजिए। तो संत ने कहा कि ठीक है। संत बोले कि एक बर्तन में जल लेकर के आओ। जब जल लाया गया तो संत ने उस लड़के के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार वह जल उतार दिया और कहने लगे कि किसी ने इस लड़के के ऊपर जादू टोना कर दिया है, लेकिन मैंने अपनी मंत्र शक्ति के प्रयोग से उस जादू टोने को इस पानी के अंदर उतार दिया है, इस बर्तन के जल में उतार दिया। यदि इस लड़के को तुम बचाना चाहते हो तो तुम में से किसी एक को यह पानी पीना पड़ेगा। सभी लोग एक साथ पूछने लगे कि महाराज जल पीने वाले की क्या दशा होगी। संत कहने लगे कि शायद वह मर भी सकता है, लेकिन यह लड़का तो बच जाएगा, यदि इसको बचाना है तो पानी पी लो। सबसे पहले लड़के की माँ से कहा गया कि आप अपने पुत्र को बचाने के लिए पानी पी लो। तो लड़के की माँ कहने लगी कि महाराज मैं अपने लाडले बेटे के लिए अपने प्राण बिछाने को तैयार हूँ, लेकिन यदि मैं मर गई तो मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा, यह पानी मैं नहीं पी सकती। लड़के के बाप से कहा गया तो लड़के का बाप कहने लगा कि महाराज मैं ये पानी पीने को तो तैयार हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी, ये पानी मैं भी नहीं पी सकता। तो महात्मा जी ने विनोद करते हुए कहा कि आप दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के क्रियाकर्म एक साथ ही कर देंगे, एक दूसरे की चिंता ही नहीं रहेगी, दोनों साथ मर जाना। उस लड़के की पत्नी से अनुग्रह किया, अनुरोध किया कि आप ये जल पी लो। तो लड़के की पत्नी कहने लगी कि महाराज मेरी वृद्धा सास ने संसार के सभी सुखों को भोग लिया, लेकिन मैं तो अभी जवान ही हूं, अतः मैं क्यों मरूं। पानी पीने से उसने भी मना कर दिया और उल्टे सभी लोग महात्मा जी से कहने लगे कि महाराज ये पानी आप ही पी जाइए, क्योंकि आप कथा में कहते हो कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, परोपकार करना चाहिए, तो आप यह पानी पी करके हमारे ऊपर उपकार ही कर दीजिए। आप मर जाओगे तो आपके मर जाने के बाद हम हर साल श्राद्ध की क्रिया करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन भी ग्रहण करवाएंगे। संत ने वह पानी पी लिया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे केवल उनके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। अब उस लड़के को अपने माता पिता पत्नी इनके प्रेम का अनुभव अच्छी तरह से हो चुका था। उसने उसी क्षण उठ करके गृह का त्याग कर दिया। वह कहने लगा कि महाराज मैंने संसार वासियों की असारता को देख लिया है, कोई भी किसी का सच्चा संबंधी नहीं है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति, सब अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई किसी का सच्चा संबंधी नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति को अत्यधिक आसक्ति किसी में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संसार में मरना तो सभी को ही है, सबको एक दिन यह संसार छोड़ना है और जाना भी व्यक्ति को अकेले है, कोई साथ में नहीं जाने वाला है, अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति इतनी आसक्ति संसार में रखता है जैसे सब कुछ अपने साथ में लेकर के जाएगा, ना तो हम वहां से कुछ लेकर के आए थे ना हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम ना वहां से कुछ लेकर के आए हैं ना यहाँ से लेकर के जाएंगे। जब जीव का जन्म होता है तब उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब वह संसार को छोड़ करके जाता है
तो उसकी मुट्ठी खुली होती है, खाली हाथ वह जाता है। यह बताता हुआ जाता है कि मैं ना कुछ लेकर के आया था और ना ही कुछ लेकर के जा रहा हूं। लेकिन व्यक्ति फिर भी संसार में बहुत आसक्ति रखता है, इतना संग्रह करता है जिसे सब बांध करके पोटली बना करके साथ में ले जाएगा। हम कुछ भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां से कुछ लाए ही नहीं थे, तो क्या ले जाएंगे। जीवन में कभी संग्रह मत करना। आप धन कमाओ कोई पाप नहीं है, नहीं कमाओगे तो आप अपना और परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे। धन कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसको कमाते समय ईश्वर को भूल जाना सबसे बड़ा पाप होता है। ईश्वर को मत बोलो। और भगवान ने यदि आपको धन दिया तो उसका आप सदुपयोग करना सीखो, परोपकार का काम करो, किसी की मदद करो, असहाय की सहायता करो। यह परोपकार का कर्म प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि जो हम दान पुण्य करते हैं वही संपत्ति हमारे साथ जाती है। जो दान किया है जग में वही संग चलेगा, ले पूछ ले तू संग में तेरे कौन चलेगा। भज राम को बंदे, भज राम को बंदे। जो दिया है वही हमारे साथ में जाएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं आना है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात कौन सी होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि दूसरों को मरते हुए देख करके अपने आप को अजर अमर मान लेना ही सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे सामने न जाने कितने लोग रोज मरते हैं, उनको जलाया जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप को अजर अमर मान लेता है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, मरना सभी को ही है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह कभी किसी के साथ में धोखा न करे। समय का सदुपयोग करते हुए ईश्वर की भक्ति करे, प्रभु के लिए थोड़ा वह समय निकाल ले। देखिए दिन और रात मिलाकर के कुल 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से आप 23 घंटे अपने घर के कामकाज के लिए निकाल देना, लेकिन एक घंटा आप अपने खुद के लिए रखना, भगवान का नाम जपने के लिए रखना। क्योंकि जिंदगी के अंतिम क्षणों में आप जब देखोगे तो पाओगे कि ध्यान में बैठ करके हमने जितना समय व्यतीत किया है बस वही समय अब बचा है, बाकी तो सब गंवा दिया है। इसलिए प्रभु के लिए थोड़ा समय हर एक व्यक्ति को निकालना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही व्यक्ति का कल्याण करता है। नाम जपते रहोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग में सबसे बड़ी अच्छाई है, यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत् फलम लगीयन्ते सम्यक कलोकेशौ कीर्तनात्।